बिंदिया एक कुम्हारन थी और वो बड़ी ही मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करती थी। उसका पति एक दिहाड़ी मजदूर था, जिसके कारण बिंदिया मिट्टी के बर्तन बेचकर घर का खर्चा चलाने में उसकी मदद किया करती। एक रोज वो मिट्टी के बर्तन ठेले पर रख रही होती है, तभी उसकी बूढ़ी सास आती है। अरे बहू, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आते हुए ना सर की दर्द की दवाई लेती आना। माँ जी, मैं पहले दवाई ले आती हूँ, फिर बर्तन बेचने जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। अरे मेरी दवाई के चक्कर में तू अपना काम मत छोड़, वैसे ही घर में पैसों की तंगी है, ऐसे में एक एक पैसा बहुत जरूरी है बेटा। हाँ माँ जी, लेकिन आपकी तबीयत भी तो जरूरी है ना। अरे बहू मैं ठीक हूँ, तू आते हुए दवाई ले आना, कुछ देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊंगी। तभी बिंदिया अपने बर्तन का ठेला लेकर बर्तन बेचने निकल जाती है और गांव में गली गली घूमकर बर्तन बेचती है। तभी उसे रोकते हुए एक औरत कहती है, ये बड़ा वाला मिट्टी का मटका कैसे दिया है बहन? बस 100 रुपए का है बहन जी, और उसमें नीचे टोंटी भी लगी हुई है, बहुत मजबूत है, चाहे तो पानी डालकर देख लीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन मटका महंगा बहुत है, वैसे भी मिट्टी के बर्तन ज्यादा दिन तक चलते कहाँ है, अरे थोड़े तो भाव कम करो। बहन जी, मिट्टी के बर्तन बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जो दाम है वही बता रही हूँ। देखो, ज्यादा से ज्यादा इस मटके के मैं 70 रुपए दे सकती हूँ, मंजूर है तो बोलो, वरना मैं चलती हूँ। 70 रुपए तो बहुत कम है बहन जी, कम से कम 80 तो दीजिए। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, 70 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा ना दूंगी, बना रखो अपना मटका अपने पास, मैं तो चली, वैसे भी ज्यादा ही पैसे खर्च करने हैं तो दुकान से जाकर मटका ना खरीद लो। नहीं नहीं बहन जी, ठीक है, आप ले जाइए ये मटका, ना से बेहतर से कुछ तो कमाई हो। बिंदिया कम दाम में ही वो मटका उस औरत को दे देती है और आवाज लगाते हुए फिर से बर्तन बेचने लगती है। इस तरह वो रोज घूम घूम कर मिट्टी के बर्तन बेचा करती, लेकिन अब गाँव के सभी लोग मिट्टी से ज्यादा स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करने लगे थे, जिसके कारण उसके बनाए मिट्टी के बर्तन बहुत ही कम लोग खरीदते थे। जो भी खरीदता वो बर्तन के सही दाम नहीं दिया करता, जिससे बिंदिया की ज्यादा कमाई नहीं हो पाती। एक रोज जब वो घर पहुंचती है तो उसकी सास की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बिंदिया, माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है, मैं माँ को अस्पताल लेकर जाता हूँ। आपके पास पैसे तो है ना जी? थोड़े पैसे तो हैं, बाकी मैं कहीं से इंतजाम कर लूंगा, क्योंकि अभी माँ को नहीं दिखाया तो आगे जाकर दिक्कत हो जाएगी, मैं चलता हूँ, तुम चिंता मत करो। बिरजू बीमार रमा को लेकर गांव के अस्पताल में जाता है, जहाँ डॉक्टर रमा को भर्ती करने की बात कहते हैं। समय बीतता है, अब रमा की अस्पताल की फीस और दवाइयों के खर्चे के कारण बिंदिया और बिरजू परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनका गुजारा कैसे होगा। एक रोज बिरजू परेशान बैठा था, तभी बिंदिया उसके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती है, जिसे पीकर वो एक गहरी सांस लेता है। इतनी परेशानियों के बीच जब भी तुम्हारे हाथ की बनी ये कड़क चाय पीता हूँ तो सुकून मिलता है। सच में तुम्हारे हाथों की बनी चाय में एक अलग ही बात है। आपको ऐसे चिंता करते देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं क्या करूँ, तुम और मैं मिलकर इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी पैसों की दिक्कत रहती है। पता नहीं भगवान ने हम गरीबों की किस्मत में इतने दुख क्यों लिखे हैं। आप हिम्मत रखिए जी, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन बिरजू सुबह अपनी माँ को देखने अस्पताल जाता है, तो वहीं बिंदिया घर का सारा काम करके बर्तन बेचने निकल जाती है। कड़ी धूप में वो बर्तनों का ठेला लेकर चल रही थी कि तभी सामने से एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी से उसका ठेला पलट जाता है और सारे मिट्टी के बर्तन टूट कर सड़क पर बिखर जाते हैं और बिंदिया को भी चोट आती है। आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जहां भागते हुए बिरजू आता है। बिंदिया के सर पर पट्टी बंधी देखकर वो घबरा जाता है। बिंदिया, ये सब कैसे हो गया, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? सब बर्बाद हो गया जी, सारे मिट्टी के बर्तन और ठेला सब टूट गए, अब क्या होगा? बिंदिया शांत हो जाओ, अब होनी को कौन टाल सकता है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, हिम्मत रखो। इस हादसे के बाद से बिंदिया बहुत निराश हो जाती है और साथ ही उनके घर चलाने के लिए गांव की सीट से कर्जा भी उन्हें लेना पड़ता है, क्योंकि रमा की तबीयत में बिल्कुल सुधार नहीं था। एक रोज बिंदिया दोबारा से मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रही थी, तभी एक आदमी उनके घर आता है
तुम मिट्टी के बर्तन बनाती हो? जी मैं ही बनाती हूँ, आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ दरअसल मेरी चाय की दुकान है, इसीलिए मुझे मिट्टी के कुल्हड़ बनाने थे। तुम मुझे 500 कुल्हड़ कब तक बनाकर दे दोगी? 500 कुल्हड़? हाँ मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए, अगर तुम कल तक बना दोगी तो मैं तुम्हें उसके अच्छे दाम दूंगा। उस आदमी की बात को सुनकर बिंदिया कुल्हड़ बनाने के लिए हाँ कर देती है और मिट्टी तैयार करने में जुट जाती है। फिर कुल्हड़ बनाने लगती है। अगले दिन तक वो 500 कुल्हड़ बनाकर तैयार कर देती है और शाम को वो आदमी उसे पैसे देकर कुल्हड़ ले जाता है। भगवान की दया से अगर ऐसे ही काम आता रहा तो हम अपना कर्जा जल्दी उतार पाएंगे। बिंदिया ये आदमी कुल्हड़ में चाय बनाकर बेचता है तो तुम भी तो चाय बनाकर बेच सकती हो, क्योंकि हमें तो कहीं से कुल्हड़ खरीदने की जरूरत नहीं है और मैंने सुना है लोग कुल्हड़ वाली चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। कह तो आप सही रहे हैं, वैसे भी मिट्टी के बर्तन बनाकर तो कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, तो क्यों ना हम यह काम शुरू करें। वैसे भी कुछ समय में सर्दियों का मौसम भी शुरू हो जाएगा तो हमें फायदा होगा। बिरजू के बोलने पर बिंदिया भी इस बात से सहमत हो जाती है और उन कुल्हड़ को बेच कर जो पैसे मिलते हैं उससे चाय बनाने के लिए दूध, चाय पत्ती, चीनी और बाकी का सामान खरीदती है। अगले दिन से वो अपने घर के बाहर चाय बेचना शुरू कर देती है। चाय चाय कुल्हड़ वाली कड़क चाय पियो, दिन की शुरुआत कुल्हड़ वाली चाय के साथ। तभी जाते जाते कुछ लोग उसकी दुकान को देखकर चाय पीने के लिए रुक जाते हैं। बिंदिया उन सभी को कुल्हड़ में चाय देती है जिसे पीकर सब उसकी चाय की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह बहन, क्या चाय बनाई है, दिमाग खुल गया चाय पीकर। धन्यवाद बहन जी। इस तरह बिंदिया रोज मेहनत से चाय बनाकर लोगों को पिलाया करती और धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। साथ ही लोग अपने घर में चाय न पीकर उसकी दुकान में कुल्हड़ वाली चाय पीने आया करते, जिससे अब बिंदिया की अच्छी कमाई होने लगती है। एक दिन घर में पैसों का हिसाब करते हुए वो खुश होकर कहती है, सुनिए जी इस महीने 7,000 रुपए बने हैं, काम अच्छा चलता रहा तो अगले महीने तक सेठ का कर्जा चुकता कर देंगे। सही कह रही है बहू, जब से तूने कुल्हड़ चाय बेचने का काम शुरू किया है तब से घर में राशन की कभी कमी नहीं हुई, भगवान की दया से ऐसे ही सब ठीक चलता रहे। माँ मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और फिर सभी एक समान भी तो नहीं होते ना, ऐसे ही धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। बिंदिया के कुल्हड़ चाय बेचने के कारण धीरे धीरे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। एक रोज जब वो दुकान पर चाय बना रही थी तभी वो आदमी आता है जो बिंदिया को कुल्हड़ का ऑर्डर देकर गया था। जरा एक अदरक वाली कड़क चाय तो पिलाना। जी जी बस तैयार हो रही है, मैं अभी देती हूँ। बिंदिया कुल्हड़ में गर्मा गर्म चाय डालकर उस आदमी को देती है। चाय की चुस्की लेकर वो आदमी कहता है, तुम तो बहुत जबरदस्त चाय बनाती हो, दिमाग खुल गया चाय पीकर। अरे आप तो वही है ना जो मुझसे कुल्हड़ बनाने आए थे। हाँ मैं वही हूँ, और आज भी तुम्हारे पास उसी काम से आया था, लेकिन यहाँ आकर देखा तो तुमने तो कुल्हड़ चाय की दुकान खुद ही खोल रखी है और तुम मुझसे भी अच्छी चाय बनाती हो, वाह पीकर मजा ही आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके बाद वो आदमी बिंदिया को 1,000 कुल्हड़ बनाने का ऑर्डर देता है तो बिंदिया सोच में पड़ जाती है। उसी वक्त वहाँ उसका पति बिरजू आता है तो बिंदिया उस आदमी को एक कप चाय और देकर बिरजू को सब बताती है। सुनिए जी अब मैं चाय की दुकान संभालूं या कुल्हड़ बनाऊं और इस आदमी को मना करूं तो कैसे करूं? अरे भाग्यवान तुम आते काम को मना क्यों कर रही हो, याद करो जब पैसों की किल्लत थी तो इसी आदमी को कुल्हड़ बेचकर हमारे हाथ में कुछ पैसे आए थे, ऐसे में हम इसे मना कर देंगे तो उसे कितना बुरा लगेगा। कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन दोनों काम मैं एक साथ भला कैसे कर पाऊंगी। तुम उसे हाँ कह दो, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। बिंदिया उस आदमी को कुल्हड़ बनाने के लिए हाँ कर देती है और वो एडवांस में कुछ पैसे देकर चला जाता है। अब शाम को दोनों पति पत्नी मिलकर मिट्टी के कुल्हड़ बनाते हैं और अगले दिन बिरजू अपने काम पर निकल जाता है तो बिंदिया चाय की दुकान पर मेहनत करती है। और इस तरह 3 दिन दोनों मेहनत करके 1,000 मिट्टी के कुल्हड़ बनाकर उस आदमी को बेचते हैं जिससे उनके पास पैसे आते हैं। और इसी तरह बिंदिया और उसका पति मेहनत करके चाय की दुकान भी चलाते और साथ ही कुल्हड़ बनाने का काम भी जारी रखते और इस तरह वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और तरक्की करते हैं। दीपेश का परिवार बेहद ही गरीब परिवार था
दीपेश के परिवार में उसकी पत्नी मंजू और एक 12 साल का बेटा दीपू था। दीपेश गांव के नुक्कड़ पर पानीपुरी की दुकान लगाया करता और दीपेश की पानीपुरी की दुकान काफी मंदी चल रही थी। अरे क्या बात है, आज तो पानीपुरी बिकी ही नहीं। अरे हाँ, आज तो बहुत कम पानीपुरी बिकी है और खर्चा भी कुछ खास नहीं निकल पाया। अरे आप कब तक यही पानीपुरी की दुकान से आस में हैं? अपने बीवी बच्चों को कब तक भूखा मारते रहोगे? अरे मंजू, तुम कैसी बात कर रही हो, आज ही तो हमारी पानीपुरी कम बिकी है, वरना रोज तो खर्च जितना पैसा निकल ही जाता है। अरे मैं तुम्हें कहती भी हूँ, ये पानीपुरी का काम अगर तुम्हें करना ही है तो रोज शाम के समय पानीपुरी की दुकान लगा लिया करना, लेकिन दिन भर तो कहीं मजदूरी करो, दो पैसे कमा कर लाओ घर में। मुझसे और कोई काम नहीं होगा, मैंने शुरू से अपने पिताजी के साथ पानीपुरी की दुकान लगाई है और पिताजी के समय पर दुकान अच्छी भी चलती थी, लेकिन इधर दुकान मंदा हो गया है। दीपेश की पानीपुरी की दुकान कुछ खास नहीं चलती थी, घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल होता, साथ ही दीपू की पढ़ाई लिखाई को लेकर भी मंजू परेशान ही रहा करती। बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, घर का खर्चा है, लेकिन कितने दिन तुम ये पानीपुरी की दुकान लगाकर घर परिवार चलाओगे, कुछ तो सोचो। तुम खामखा मुझ पर गुस्सा हो रही हो, मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ ना कि कभी कभी काम मंदा हो जाता है, आज भी ऐसा ही समझ लो। मंजू चाहती थी कि घर अच्छे से चले और उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ सके, लेकिन घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही था और वो था दीपेश। अब मंजू भी तय करती है कि वो घर से बाहर निकलकर काम करेगी। अरे मंजू, तुम कहीं जा रही हो क्या? आज घर का काम इतनी जल्दी कैसे हो गया तुम्हारा? अरे आज गोलगप्पे की दुकान तुम नहीं मैं लगाने जाऊंगी, देखती हूँ कि गोलगप्पे बिक क्यों नहीं रहे हैं। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं तुम्हें कहीं जाने की, मैं आज घूम घूम कर गोलगप्पे बेच लूंगा। माँ, मैं भी चलूंगा आपके साथ गोलगप्पे बेचने, मैं लोगों को आवाज लगाऊंगा, आप गोलगप्पे बनाकर खिलाना। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू भी अपनी बाप की तरह बड़ा होकर गोलगप्पे बेचेगा या फिर पढ़ लिख कर अफसर बनेगा? माँ, अफसर लोग भी मेहनत करके यहाँ तक पहुँच पाते हैं ना, अभी चलो हम लोग गोलगप्पे बेच कर आते हैं, उसके बाद मैं पढ़ाई भी करूँगा। नहीं नहीं, तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, समझा ना तू? मंजू और दीपेश में बातचीत हो रही थी, तभी वहाँ उसकी पड़ोसन रजनी आ जाती है और रजनी मंजू को दीपू को डांटते हुए देखती है। अरे मंजू, क्या बात हो गई, छोटी से बच्चे को क्यों डांट रही है? अरे रजनी भाभी, डांटू नहीं तो और क्या करूं? देखो ना, पढ़ने लिखने के बजाय अपने बाप की तरह गोलगप्पे बेचने की जिद कर रहा है। अरे बच्चा ही तो है, ले जा साथ में, मन बह जाएगा थोड़ा सा। अरे नहीं नहीं, अगर इसे मैंने बाहर इसके बाप के साथ गोलगप्पे बेचने के लिए भेज दिया ना, तो ये अगले दिन ये पढ़ाई लिखाई भी नहीं करेगा। तेरी बात तो ठीक है, वैसे भी पढ़ लिख कर या कौन सा अफसर बनेगा, अपने पिता की तरह ही नुक्कड़ पर छोले भटूरे, गोलगप्पे या फिर बर्गर चाउमीन की दुकान लगाएगा। तुम चाइनीज लोग काम भी तो ऐसा ही करते हो ना? रजनी भाभी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आप मेरे बेटे के बारे में कुछ भी गलत मत बोलो। अरे ठीक है दीपेश, नहीं बोलती। वैसे सच कहूँ तो तेरे गोलगप्पे की दुकान अगर नहीं चल रही है तो तू मुझसे एक फ्री में एडवाइस ले ले। अरे हाँ रजनी भाभी, मैं कहती हूँ कि गोलगप्पे की दुकान बंद करके जमींदार के खेतों में काम करके ये दो पैसे कमा के घर में ले आए, लेकिन ये आदमी है कि बस सुनता ही नहीं है। सच में मैं तो कहती हूँ मोमोज की दुकान लगा ले दीपेश तू, वैसे भी आजकल लोगों को चाइनीज मोमो बहुत पसंद है और तुम लोग नेपाल के कम और चाइनीज ज्यादा लगते हो। अरे रजनी भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे हम तो नेपाल से हैं और काफी समय से भारत में रह रहा है हमारा परिवार, अरे तो हम चाइनीज बनकर क्यों काम करें? रजनी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन दीपेश के दिमाग में रजनी की बातें बैठ जाती है। अब दीपेश अपने गोलगप्पे की दुकान को अगले ही दिन बदलवा लेता है और अपने ठेले पर पोस्टर लगाता है, चाइनीज गोलगप्पे वाला। अरे क्या बात है, आज तो सारे गोलगप्पे बिक चुके हैं। अरे और आपने गोलगप्पे के ठेले का नाम क्यों चेंज कर दिया? मैंने आपको कहा था ना, हम चाइनीज नहीं है, लोग हमें गलत नाम देंगे। लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं मंजू, इसी नाम की वजह से तो आज गोलगप्पे बिके हैं, लगता है रजनी भाभी ने जाने अनजाने में हमें सही आइडिया दिया। अरे लेकिन अगर लोगों ने हमें सचमुच चाइनीज समझ लिया तो हमारे लिए दिक्कत भी तो होगी ना, आपको तो पता है उनका खान पान कैसा होता है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, भगवान ने ही हमें रास्ता दिखाया है। दीपेश अपने गोलगप्पे की दुकान का नाम चेंज करवा लेता है, लेकिन
वो आने वाली मुसीबत से अब तक अवगत नहीं था। जैसे ही रजनी को ये बात पता चलती है, रजनी सारे गांव में लोगों को जा जाकर कहती फिरती है, अरे मैंने कहा था ना, यह दोनों मियां बीवी चाइना से आई हैं, नेपाल से नहीं। यह तो कुत्ता बिल्ली चूहा सब खा जाते हैं। राम रे राम, हमारे गांव में अब ऐसे लोग रहेंगे। मैं तो कहती हूँ उनके हाथों का बनाया हुआ कोई गोलगप्पा खाने भी मत जाना, ना जाने कौन सी बीमारी फैला जाए। अगले दिन दीपेश के गोलगप्पे गांव का कोई भी आदमी नहीं खाता, जिस वजह से उसे दूसरे गांव जाकर गोलगप्पे बेचने पड़ते थे। और जब दीपेश घर लौटकर आता है तो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे मंजू, पता है आज कोई भी गांव वाला मुझसे गोलगप्पे नहीं ले रहा। अरे माँ, आपको पता है गांव के बच्चे मुझे चाइनीज चाइनीज कहकर चिढ़ा रहे हैं। किसने बोला तुझे ऐसा? चल अभी उसे बताती हूँ। अरे बच्चे हैं, जाने दो, किसी के मुँह से निकल गया होगा, पहले भी तो बच्चे चिढ़ाया करते थे ना। अरे मैंने आपको कहा था ना, रजनी भाभी की बातों में मत आओ, वो एक नंबर की आग लगाने वाली औरत है। अरे पापा, आपको नहीं पता, बच्चे मुझे ये भी कह रहे थे कि हमारे घर में कुत्ता बिल्ली चूहा सब खाया जाता है। क्या, ऐसा किसने कहा तुझसे? अभी चल, मैं उससे पूछता हूँ ये सब बातें गांव में कौन फैला रहा है। हाँ पापा, मुझे पता है ये बात कौन फैला रहा है। आज मैंने रजनी आंटी को दो तीन आंटियों से बात करते सुना था, वो कह रही थी कि दीपेश से गोलगप्पे मत लेना, वो ना जाने क्या क्या खाया होगा। अच्छा, तो अब समझ आया ये सब रजनी भाभी की चाल थी और हमें नीचे गिराने की। लेकिन वो जानती नहीं है मैं अपनी जिद पर आ जाऊँ ना तो अपने इस गरीब घर को महल बना दूँ। गांव में सभी लोग दीपेश और मंजू से दूर दूर रहने लगे। इधर मंजू काफी परेशान हो जाती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती। अब वो अपने पति के साथ गोलगप्पे बनाकर अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में घूमकर बेचना शुरू करती है। और शाम होने से पहले मंजू के सभी गोलगप्पे बिक भी जाया करते हैं। मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए। और हाँ, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। माँ, आज मैं स्कूल टेस्ट में सबसे अच्छे नंबर लाया, सभी बच्चों ने मेरे लिए तालियां भी बजाई। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ बेटा, अपने पिता की तरह ऐसी मेहनत मजदूरी नहीं करनी तुझे, बल्कि अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी है तुझे। कहो क्या जरूरी बात करनी है तुम्हें मुझसे? अब तो तुम भी गोलगप्पे बेचने जा रही हो, लगता है तुम्हें अब भी मुझसे शिकायत है। अरे मुझे आपसे शिकायत नहीं है, मैं तो ये कह रही थी मैं गोलगप्पे का ठेला लगा लेती हूँ, आप सेठ जी की दुकान में काम कर लीजिए, आज वो आपको अपनी दुकान पे रखने के लिए बात करने आए थे। तुम ठीक कह रही हो, अब तो मुझे भी थोड़ा बहुत इधर उधर काम देख लेना चाहिए, अब तो तुम भी चाइनीज गोलगप्पे वाली बन गई हो, भला तुम्हें क्या दिक्कत होगी। अरे इसलिए तो कह रही हूँ कि अगर आप सेठ जी की दुकान पर काम करेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ पिताजी, पहले से तो अब घर में अच्छा अच्छा खाना भी बनने लगा है, और आपको पता है जब तक मुझे कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता मेरा तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं ये भी कर लेता हूँ, अपने परिवार के लिए मैं ये तो कर ही सकता हूँ, और तुम अपने गोल गप्पे की दुकान संभालो। मंजू को लगातार मेहनत करते देख कर रजनी जलती रहती है, लेकिन मंजू अपने काम पर ध्यान देती है और समय से गोलगप्पे का ठेला लेकर निकल जाया करती है और शाम के समय घर लौट कर आया करती है। ऐसे ही मेहनत मजदूरी करके मंजू और दीपेश अपना घर चलाते हैं। शुरू शुरू में उन्हें दिक्कत तो आती है, लेकिन कुछ मुश्किलों का सामना करने के बाद उनका चाइनीज पानी पूरी का बिजनेस चल पड़ता है।